हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने मिक्सिंग वाले मतलब जो ग्रुप्स एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उनके एग्जांपल मैंने बता दिए थे। इसके बाद एक टॉपिक और आता है, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। मतलब फिनॉल जो है वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। बेंजीन के डेरिवेटिव मतलब बेंजीन जो है C6H6, उसका अगर एक हाइड्रोजन हटा दें और OH लगा दिया जाए यानी कि अल्कोहल ग्रुप लग जाए तो वो फिनॉल कहलाने लगता है। तो जो मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं बेंजीन के उनको हम फिनॉल कहते हैं। तो और अगर उनका नाम जब हम लिखते हैं, अगर IUPAC नाम लिखते हैं, अगर उसमें डाई हाइड्रोक्सी और ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन के होते हैं तो फिर उनकी पोजीशन मतलब जिस भी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होता है तो उसको हम डाई और ट्राई ऑल लगा के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि द मोनो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड फिनॉल, वेयर द नेम ऑफ डाई एंड ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इज रिटन आफ्टर द बेंजीन टू इंडिकेट देयर पोजिशन इन द बेंजीन साइकिल विद अटैच डाई और ट्राईऑल। तो मैं पहले एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लिया दिया हुआ है ये एक, सबसे पहले तो सिंपल फिनॉल बता देती हूँ कि अगर ये जो सिक्स पोजिशन होती हैं या फर्स्ट से मतलब जिस भी पोजीशन पे OH लगा हुआ है उसी को ही हम फर्स्ट मान लेंगे, पहली पोजीशन। तो ये आप देख रहे हैं बेंजीन के जो है सिक्स कॉर्नर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से किसी भी कॉर्नर पे अगर OH लगा हुआ, एक OH लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम फिनॉल। इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। और अगर ये एक से ज़्यादा जगह पे OH लगे हुए हैं तो फिर उनका नामकरण हम किस तरीके से करते हैं वो बताती हूँ। कि अगर मान लिया लगा हुआ है OH यहाँ पे भी और लगा हुआ है OH यहाँ पर भी, दो जगह लगा हुआ है, तो फिर हम इसको इस तरीके से काउंट करेंगे कि ये वन पोजीशन हो गई, ये टू पोजीशन हो गई, ये 3, 4, 5, 6। तो इसका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे कि इनके जो पेरेंट हैं बेंजीन का नाम लिखेंगे सबसे पहले, बेंजीन, और जिस पोजीशन पे अल्कोहल लगे हुए हैं तो 1, 2 डाई ऑल, इस तरीके से इसका नाम लिख देंगे। या फिर मान लिया दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ, तो किसी भी दोनों में से किसी भी एक OH को हम मान लेंगे वन नंबर पे। कि फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये वन नंबर पे 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या करना है, बेंजीन लिखना है सबसे पहले। अगर एक ही अल्कोहल लगा हुआ है तब तो हम उसको फिनॉल लिख सकते हैं, लेकिन अगर दो जगह लगा हुआ है तो बेंजीन 1, 4 डाई ऑल। अब अल्कोहल के अलावा मान लिया और भी कोई ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल OH है और साथ में प्रेजेंट है यहाँ पे CH3 यानी कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी तो हम नंबरिंग के लिए अल्कोहल को ही देंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जिस पोजीशन पे लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उस पोजीशन को लिखेंगे 3-methyl, क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्कोहल है तो इसलिए सीधे सीधे इसका नाम हम लिख देंगे फिनॉल। मान लिया दो जगह दिया हुआ है अगर अल्कोहल ग्रुप, यहाँ पे भी दिया है OH, यहाँ पे भी दिया हुआ है OH, एक दिया हुआ है CH3, तब इस कंडीशन पे हम इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं कोई किसी भी, या तो इसको हम वन नंबर पे मान लेंगे या इसको मान लेंगे। तो इसको मान लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे लगा हुआ है टू पोजीशन पे मिथाइल तो 2-methyl। अब यहाँ पे दो जगह लगा हुआ है अल्कोहल ग्रुप तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, बेंजीन 1, 3 डाई ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा।
ऐसे ही अगर दिया हुआ है OH लगा हुआ है, साथ में मान लिया लगे हुए हैं ब्रोमो ग्रुप। अभी एक ग्रुप जो मैं लगा रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट की, यहाँ पे अल्कोहल सॉरी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ब्रोमो ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हैं, कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं और उन्हीं ग्रुप के हिसाब से उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो नंबरिंग कर लेनी है, 1, 2, 3, इधर से भी कर सकते हैं तो भी नाम वही आएगा, उधर से भी कर सकते हैं, 5, 6, ये नंबरिंग कर ली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिस जिस पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगे हैं सबसे पहले वो लिख लेना है। तो 2, 6 डाई ब्रोमो, क्योंकि एक ही अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए फिनॉल नाम हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से जो है इनका नोमेनक्लेचर, हम फिनॉल का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं कि जितने एक जगह लगे हुए हैं, कि एक चलिए और एग्जांपल बता देती हूँ साथ में। एक OH यहाँ दिया हुआ है, एक OH यहाँ दिया हुआ है, एक OH यहाँ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 OH दिए हुए हैं तो नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, किसी को भी 1, 2, 3 मान सकते हैं। तो हमने मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमने इनकी नंबरिंग कर ली, क्योंकि 3 हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके पेरेंट का नाम लिखेंगे बेंजीन, फिर उसके बाद जिस पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है एंड 5 पे लगा हुआ है, तो 3 अल्कोहल लगे हुए हैं तो इसलिए ट्राई ऑल, इस तरीके से इनका नाम हो जाएगा। तो ये तो था नोमेनक्लेचर फिनॉल का, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।